सरयू किनारे जहां सूर्यवंश का सूर्योदय हुआ, जिनके चरणों में आकर हर जीव भयमुक्त हुआ। मर्यादा की है धरती ये, जहां प्राणों से बड़ा हर वचन हुआ। श्री राम की है जन्मभूमि ये, ऐसा कहां कोई नगर हुआ। अयोध्या। अयोध्या में हनुमान जी को बैठा करके फिर भगवान साकेत को चले गए। क्योंकि भगवान राम को सबसे ज्यादा वही मानती थी और राम को राम बनाने वाली भी कई कई माता है। इतनी प्यारी जगह है कि बस, और यहाँ पे आप अयोध्या की हिस्ट्री जान सकते हैं प्रोजेक्शन शो के थ्रू। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इसमें काम करने को हम लोगों को मौका मिला है। तो ये है अयोध्या की दही जलेबी, ट्राई करते हैं। सार तो आपने देख लिया, अब आइए इसे विस्तार से देखते हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। राम मंदिर के पीछे का संघर्ष, यहाँ की घूमने की जगह और उनसे जुड़ी मान्यताएं, जिसमें हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, राम रसोई, दशरथ महल, कनक भवन, सरयू घाट, राम की पैड़ी, लता मंगेशकर चौक, मंदिर निर्माण कार्यशाला, मूर्ति निर्माण कार्यशाला और भी बहुत कुछ। साथ ही यहाँ आने जाने का साधन, रुकने की व्यवस्था, अयोध्या का फेमस फूड। तो आइए आकाश के सफर के अयोध्या अध्याय की शुरुआत करते हैं। अयोध्या के अध्याय की शुरुआत हुई थी त्रेता युग में, जब श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम का अवतरण हुआ था। तब से लेकर आज तक हर मन में और हर कण में बसते हैं श्री राम। अयोध्या, जिसे प्राचीन काल में साकेत कहा जाता था, और कहा जाता है कि इसकी स्थापना सूर्यपुत्र मनु के द्वारा की गई थी। अयोध्या के हिस्से में हमेशा से प्रतीक्षा रही है। फिर चाहे राज तिलक के ठीक पहले 14 साल का वनवास हो, या श्री राम को वापस उनके मंदिर में लाने में लगे लगभग 500 वर्ष। सतयुग बीत गए, त्रेता बीत गए, राम अवतार बीत गए, द्वापर बीत गए, कलयुग में श्री राम लला के मंदिर मन रही है। जय श्री, यही हमारा नारा है, बजरंग बली सहारा है। करोड़ों भारतीयों का सपना जो पूरा हुआ, उसके पीछे का संघर्ष भी काफी बड़ा था। मैं आज से 10 साल पहले आया तो एकदम सा मन कुटित हो जाता था कि हमारे भगवान ऐसे हैं, हम जिनको हम जय श्री राम, राम नाम हर जगह है, मरने से लेकर जीने तक उनका ये दशा है। साल 1528 में जब मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ एक मस्जिद बनवा दिया, तब से ये संघर्ष शुरू हुआ। वैसे तो अयोध्या कहते ही आंखों में श्री राम की छवि बन जाती है, पर जब साल 1528 में मुगल सम्राट बाबर का शासन था, तब उनके सेनापति मीर बाकी के एक कदम ने इस धरती पर जैसे भूचाल सा ला दिया। भगवान राम के जन्म स्थल पर एक मस्जिद बनवाया और यहाँ से इस युद्ध का बिगुल बज गया। हिंदुओं ने दावा किया कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है। असल विवाद 1949 में शुरू हुआ, जब मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्तियाँ मिली। 492 वर्ष लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया कि ये स्थान प्रभु श्री राम लला का है। 5 अगस्त 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस ऐतिहासिक जीत की नींव रखी गई और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार खत्म हुआ। दर्शनार्थी आते हैं, सर्वप्रथम
सरयू स्नान और दूसरा स्थान है हनुमान जी का दर्शन, उसके बाद अन्य जगह भ्रमण करते हैं, ये यहाँ की विशेषता है। तो सबसे पहले चलते हैं हनुमानगढ़ी, और वो क्यों आइए आपको बताता हूँ। तो राम नगरिया राम की बसे सर झुके तीर, अचल राज महाराज की जहाँ चौकी हनुमत वीर। हनुमान जी को हनुमान भगवान ने अपने पुत्रों को, भरत के पुत्रों को, लक्ष्मण के पुत्रों को, शत्रुघ्न के पुत्रों को अन्यत्र अन्यत्र का राज दिया, लेकिन अयोध्या में हनुमान जी को बैठा करके फिर भगवान साकेत को चले गए। अयोध्या की मान्यता के अनुसार दर्शनार्थी सबसे पहले सरयू स्नान करके हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और फिर रामलला के दर्शन के बाद ही आगे का सफर तय करते हैं। सरयू घाट से लगभग 2.5 किलोमीटर, अयोध्या धाम जंक्शन से लगभग 1 किलोमीटर और श्री राम जन्मभूमि से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है ये हनुमानगढ़ी। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप इनके दर्शन कर सकते हैं। कुछ 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। हनुमान जी महाराज आप देखते होंगे कि अन्यत्र जहां भी हनुमान जी का विग्रह है, कहीं रौद्र रूप में, कहीं वीर रस में, कहीं सौम्य रूप में, कहीं आसन मुद्रा में, ये कुल में मिलेंगे हनुमान जी। लेकिन यहाँ हनुमान जी जो है राजा बन करके बैठे हुए, क्यों? भगवान राम जब यहाँ पर लंका से आए तो 11,000 वर्ष तक राज किया उन्होंने, और उसके बाद सभी को लेकर के यहाँ से जब साकेत को जाने लगे तो उसमें हनुमान जी से भी कहा उन्होंने कि चलिए। तो हनुमान जी कहे महाराज साकेत में जाने से क्या हमको लाभ मिलेगा, वहाँ तो सब एक रस है, हैं वहाँ कुछ मिलता नहीं, यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ के जो जीव हैं अल्प आयु हैं उनको दुख सुख का अनुभव ज़्यादा होता है, इसलिए आपका नाम का, कीर्तन का, लीला का, आपके प्रसाद का, आपके समैया का, ये सब उत्सव करते रहेंगे, तो जब तक ये होता रहेगा तब तक हम यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद हम आपके पास चले आएंगे। जहाँ राम वहाँ राम की सेना तो होगी ही। यहाँ पूरे अयोध्या में जगह जगह आपको काफ़ी सारे बंदर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको राम की नगरी में होने का एहसास दिलाते रहेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि है, जो भगवान का जन्म हुआ है चैत मास 9वीं तिथि आपजित नखत दिन 12 बजे चारों भाइयों का अवतार हुआ है। तो चैत मास मधमास महीना आपजित नक्षत्र राम प्रभु जन्म लीना। इस मंदिर में आपको भगवान राम बाल रूप में दर्शन देंगे। पहले राम लला को एक छोटे से टेंट में रखा गया था, पर अब उनके लिए भव्य और अविश्वसनीय मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका टोटल कैंपस 2.7 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 1.25 एकड़ जमीन पर 3 मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर की लंबाई 360 फीट, ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई 235 फीट है। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टील और लोहे का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा।
फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ आपको फ्री लॉकर रूम, जगह जगह पानी की सुविधा, विश्राम स्थल और व्हील चेयर की सुविधा मिल जाती है। सुविधा और भव्यता के मामले में ये मंदिर भविष्य में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। पहले से अयोध्या का जो है वातावरण सब बदल चुका है और काफ़ी मात्रा में भीड़ हो रही है, काफ़ी मात्रा में दर्शक लोग आ रहे हैं। अयोध्या में बड़ी चहल पहल है, बड़ी खुशहाली है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, राम मंदिर हमारा भी बन रहा है। राम जन्मभूमि जाने के दो रास्ते हैं, जिसमें हनुमानगढ़ी होते हुए दशरथ महल के रास्ते लगभग 500 मीटर पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्ट राम मंदिर जाना चाहते हैं तो मेन रोड राम पथ से श्री राम जन्मभूमि पथ कॉरिडोर होते हुए जा सकते हैं, जहां आपको राम द्वार गेट और ट्रस्ट काउंटर भी दिखाई देंगे, जो कि लगभग 300 मीटर पड़ेगा। पहले तो बहुत ही काफ़ी कंजेस्टेड था, इसके शहर में अंदर आते ही बहुत ही गंदगी भी दिखती थी और काफ़ी कंजेस्टेड था, लेकिन अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट कह सकते हैं या योगी जी हैं हमारे स्टेट में, तब से काफ़ी ज़्यादा वो अयोध्या पे फोकस किए हुए हैं। राम जन्मभूमि से निकलते ही लेफ्ट साइड पर हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर आपको मिलेगा अमावा राम मंदिर। अमावा मंदिर बिहार में, अमावा एक स्टेट था। अच्छा जी। उस स्टेट की महारानी जो थी जी, उन्होंने 1919 में ये मंदिर बनाया था। कहा जाता है कि जहां रघुकुल का देवालय था वही अमावा की महारानी ने ये अमावा राम मंदिर और उधर देख रहे हैं राजमहल उन्होंने बनाया, जहां पर राम रसोई में निशुल्क भोजन की व्यवस्था है। अच्छा, ये जितना भी आप पूरा निशुल्क सेवा 2019 से दे रहे हैं? 2019 से लगभग अभी गणना तो उन्होंने किया है 25 लाख का, लेकिन हमारे हिसाब से 35 लाख से ऊपर लोग अभी तक प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। और ये अभी निरंतर चलते हैं? निरंतर चलेगा। अब चलते हैं दशरथ महल, जो कि हनुमानगढ़ी से लगभग 100 मीटर पर ही है। ये श्री राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती जी का, श्री दशरथ जी महाराज का राजमहल है, जिसमें आप लोग इस समय खड़े हुए हैं, और जो बीच में आप सिंहासन देख रहे हैं ये महाराज का सिंहासन में, जिनके जिसमें उनके चारों बेटे श्री राम जी, भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी और चारों बहुओं के सहित विराजमान हैं। आप और जो बगल में विग्रह देख रहे हैं वो उन्हीं राम जी के रूप हैं, श्री जानकी रमन भगवान, श्री राजीव लोचन भगवान, श्री सीताराम जी भगवान। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने इस महल की स्थापना त्रेता युग में की थी, जो कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में कई बार रेनोवेट हो चुका है। इस महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह भी कहते हैं। कहा जाता है कि इसी महल में भगवान राम का बचपन बीता है, और यहाँ भगवान राम अपने तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ विराजमान हैं। साथ ही यहां आपको भगवान राम के बचपन की बहुत सारी झांकियां देखने को मिलेंगी। महल में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की सभा लगती थी, और यही वो स्थान है जहां से भगवान राम जी को वनवास जाने का आदेश दिया गया था। इस मंदिर का समय सुबह 8 से 12 और शाम 4 से 10 बजे तक है। राम जन्मभूमि से लगभग 500 मीटर दूर है कनक भवन, कनक यानी कि सोना। कहा जाता है कि जब ये माता केकई ने माता सीता को उनकी मुंह दिखाई में दिया था, तब ये सोने का हुआ करता था। कनक भवन, कनक भवन इसको सीता जी राम जी का निज निवास कहा जाता है, और
इस मंदिर को माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया, और ये स्वर्ण का बना हुआ था इसलिए इसको कनक भवन कहा जाता था, क्योंकि भगवान राम को सबसे ज़्यादा वही मानती थी, और राम को राम बनाने वाली भी कैकेयी माता है। अगर अयोध्या से बाहर न जाते तो राम आज पूजनीय न होते, ना वो जो वर्तमान है परदृश्य ये नहीं होता, अगर राम अयोध्या में ही रहते तो। ये महल पहले और भी भव्य हुआ करता था। यहाँ की एक पुरानी तस्वीर भी मुझे देखने को मिली, जिससे ये पता चलता है कि इस महल में काफ़ी बदलाव हुए हैं, पर अभी भी इसकी खूबसूरती बरकरार है। इस भवन में दर्शन का समय सुबह 8 से 11 और शाम 4 से 9 है। अभी तक हम जिन जिन जगहों पर गए हैं वो सभी 1 किलोमीटर के रेडियस पर ही हैं, जिसे आप एक बार में ही कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम चलते हैं घाट की ओर, जो कि राम जन्मभूमि से लगभग 3 किलोमीटर है। अयोध्या की सजमन की बहुत बड़ी मर्यादा है। अवधपुरी, ममपुरी, सुहावन, उत्तर दिश सरजू बहिपावन, इसमें स्नान करने से लोगों का पाप धुलता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये है सरयू घाट। अयोध्या में सरयू स्नान का विशेष महत्व है। आप यहाँ दिन में बोटिंग कर सकते हैं और शाम के 6 बजे सरयू आरती अटेंड कर सकते हैं। सरयू घाट से लगा हुआ लगभग 100 मीटर पर है राम की पैड़ी। तो अभी हम राम की पैड़ी पर हैं और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन शो चल रहा है, मतलब दिन भर आप पूरा मंदिर का दर्शन कर लीजिए, घूम फिर के आ जाइए, और उसके बाद शाम को एकदम फ्री माइंड से बस यहाँ राम की पैड़ी, जो सरयू नदी यहाँ से बहती है ना, तो वहाँ पे आके बैठिए। ये मतलब इतना रिलीफ वाली जगह है, इतनी प्यारी जगह है कि बस, और यहाँ पे आप अयोध्या की हिस्ट्री जान सकते हैं प्रोजेक्शन शो के थ्रू। जिसे मुख्य रूप से टूरिस्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें सरयू की मुख्य धारा प्रवाह से एक नई धारा बनाई गई है, जिससे पानी का लेवल लगभग घुटने तक ही रहता है। इस घाट की सुंदरता अगर आपको देखनी हो तो आप यहाँ शाम के समय आए, क्योंकि सरयू आरती के बाद करीब 7 बजे यहाँ लेजर लाइट शो होता है। इस समय घाट की खूबसूरती अपने पीक पे होती है, और अगर आप वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप यहां दीपावली में होने वाले दीपोत्सव में आए। 2023 में यहां राम की पैड़ी, सरयू घाट सहित 51 घाटों में 22 लाख से भी ज्यादा दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यहां पास में ही लता मंगेशकर चौक है, जो कि लोगों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा रखी गई है, जिसका वजन 14 टन है। लता जी को भगवान राम से काफी लगाव था। उनके समर्पण और भाव को ध्यान में रखकर उनकी 93वीं जयंती पर इस चौक का इनॉग्रेशन किया गया। राम की पैड़ी, सरयू घाट, लता मंगेशकर चौक, नागेश्वर महादेव मंदिर, ये सभी 200 मीटर रेडियस पर ही हैं, तो आप ये सब एक साथ कवर कर सकते हैं। इन सभी जगहों के दर्शन के बाद आइए चलते हैं राम मंदिर के भव्य निर्माण की निर्माण यात्रा देखने। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला राम जन्मभूमि से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रामघाट चौराहा के ठीक सामने है। कार्यशाला है, ये कार्यशाला में काम कर रहा हूँ, यहाँ से तैयार होकर पत्थर राम मंदिर पे जाता है। ये जो सारे मार्बल आप लोग देखे हैं, ये सारे राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर से लाया गया। राम मंदिर में कोई सरिया, पिलर, लिंटर डलिया नहीं, सभी पत्थर पे नंबर पड़े रहेंगे और नंबर द्वारा इंटरलॉक कर दिया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने यहाँ करीब 30 साल पहले से ही सामग्री जुटानी शुरू कर दी थी, और मंदिर निर्माण का फैसला आने तक
40% पत्थर तराशे जा चुके थे। हम लोग लगभग 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। इसको साफ करने में कम से कम जैसे ब्लैक रहता है, जैसे इसका काला हुआ रहता है, महीने भर लग जाते हैं। यहाँ बहुत सारे सिलाई रखी थी, बहुत ज़्यादा रखी थी, सारा वो सिलाई मंदिर राम मंदिर में लगने के लिए चले गए। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इसमें काम करने को हम लोगों को मौका मिला है। ये जो आप घंटा देख रहे हैं, इसे मंदिर में लगाया जाएगा और यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस तक इसकी आवाज़ गूंजेगी। ये राम मंदिर के फर्स्ट गेट पे लगेगा। ये रामेश्वरम से लाया गया, 6 क्विंटल 13 किलो का घंटा है। मंदिर निर्माण कार्यशाला से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अलग से कार सेवक पुरम में मूर्ति निर्माण कार्यशाला भी है। ये मूर्ति निर्माण कार्यशाला जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, उसकी मूर्तियाँ यहाँ पे बन रही है। यहाँ रामायण की पूरी कथा को झांकी के रूप में दिखाने के लिए मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसे मूर्तिकार रंजित मंडल के द्वारा बनाया जा रहा है। जो मेरा मूर्ति जो बनाया है, इसमें आपका पुत्राष्टी यज्ञ से अभिषेक तक जो है रामायण का प्रमुख स्क्रिप्ट है, मतलब प्रसंग, वही बनाने का प्रयास, आपको आदेश दिया गया तो वही बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये अब वहीं पे ये राम जन्मभूमि के कॉरिडोर में बैठेगा। यहाँ भगवान राम की मूर्ति के लिए नेपाल पोखरा से 2 देवशिला, राजस्थान से 3 और कर्नाटका से 3 श्याम शिलाएं आई हुई हैं। तो ये थे यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल। यहाँ और भी बहुत सारी जगह है, आइए इनके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में डिटेल दे देता हूँ। राम के पैड़ी में स्थित है नागेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना भगवान राम के छोटे बेटे कुश ने की थी। राम मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर एक पर्वत है, मणि पर्वत। इस पहाड़ में ऊपर जाने के लिए 101 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। भगवान सीताराम के विवाह के समय राजा जनक ने राजा दशरथ को मणियां उपहार स्वरूप दी थी। ये मणियां इतनी ज्यादा थी कि उनसे एक पहाड़ बन गया। यहाँ की एक और कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार सीता जी मई के मान के हरियाली तीज मनाई है। सावन शुक्ल तृतीया से रक्षा बंधन तक झूला झूली है। सीता जी श्री राम जी के साथ झूला पर बैठे हैं, आशीर्वाद दें कि 84 लाख जोड़ी में किसी भी जीव तृतीया को झूला को दर्शन करे मणि पर्वत पर, तो शरीर कहीं भी छूटे आवागमन से। राम मंदिर से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर दूर है सूर्य कुंड। ये वो कुंड है जहां त्रेता युग में भगवान राम का राज्य अभिषेक किया जा रहा था, तब सूर्य देव यहीं रुके थे। सूरज कुंड में अगर आपको आना हो तो शाम के समय ही आना सही रहेगा। यहाँ हर रोज शाम 6 बजे लेजर शो किया जाता है, जिसमें सूर्य देव और भगवान राम के राज्य अभिषेक की झांकी दिखाई जाती है। राम मंदिर से करीब 16 किलोमीटर दूर नंदीग्राम स्थित भरत कुंड। इसके बारे में कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास गए तो भरत यहाँ श्री राम की खड़ऊ को भगवान राम का प्रतीक मानकर यहीं से अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। और ये भी मान्यता है कि महाराजा दशरथ का पिंड दान इसी कुंड में किया गया था। पितृपक्ष में इस स्थान का विशेष महत्व है। सरयू नदी के तट पर राम मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है गुप्तार घाट। हमने जब अपने जाने के लिए प्रारंभ की अयोध्या से, तो वाल्मीकि जी ने उनके स्वरूप वर्णन को किया है कि भगवान ने भौतिक सुखों का त्याग किया, भगवान ने धनुष छोड़ दिया और मानव रूप ले लिया। भगवान ने सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किया, नंगे पैर हुए, हाथ में कुश लिया। भगवान सूर्य परमा को अंतर ध्यान हुआ और भगवान भी जल में जब प्रविष्ट हुए
डुबकी लगाई तो चतुर्भुज रूप धारण किए और वह भी विमान से। इसका शुद्ध नाम है गोप्रताल। अब यह गुप्ताल घाट के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 550 वर्ष पुराना है। भारतीय पुरातत्व के अनुसार भगवान राम यहाँ खाली हाथ विराजमान है, धनुष धारण नहीं किए। और इसी समय उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या का राजा और विभीषण के पुत्र मद गजेंद्र को यहाँ का कोतवाल बनाया। तो भाई ये थे यहाँ के टूरिस्ट प्लेस। अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे और यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी हैं। अयोध्या आने पर यहाँ आपको दो रेलवे स्टेशन मिलेंगे, अयोध्या धाम जंक्शन और अयोध्या कैंट, जो कि फैजाबाद में है। मैं आपको अयोध्या धाम जंक्शन सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये राम जन्मभूमि मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है और अयोध्या कैंट 11 किलोमीटर दूर है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरने का सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि ये काफ़ी पास है, बल्कि ये भी है कि ये रेलवे स्टेशन देश के सबसे भव्य और आधुनिक स्टेशन में से एक होने वाला है। हाल में इसे रेनोवेट करके 30 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कुल 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यहाँ आने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एयरपोर्ट पर खड़े हैं। यहाँ से राम जन्मभूमि के लिए आपको बाहर ही ई रिक्शा बहुत ही आसानी से सिर्फ 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप अयोध्या कैंट से आते हैं तो वहाँ से लगभग 40 से 50 रुपए का फेयर आपको देना होगा। तो अब बात करते हैं उस रास्ते की जो कि हमारे हनुमान जी का रास्ता है। हाँ जी, बाई एयर अगर आप आते हैं तो आपकी विमान रुकती है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम में। इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी 30 दिसंबर 2023 को रेलवे स्टेशन के साथ ही हुआ है। इसे 1463 करोड़ की लागत से नागर शैली में बनाया गया है। ये एयरपोर्ट श्री राम के जीवन से प्रेरित है, जिसमें दीवारों को रामायण से जुड़ी डिजाइंस और मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। और इस एयरपोर्ट को आज तक के सबसे कम समय लगभग 20 महीने में तैयार किया गया है, जो कि इससे पहले नहीं हुआ। इस एयरपोर्ट को 6 जनवरी से पैसेंजर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ से राम जन्मभूमि आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बाई रोड यहाँ आते हैं तो आपको राम मंदिर से 3 किलोमीटर नज़दीक राजघाट, अयोध्या बाईपास नेशनल हाईवे 27 से लगा हुआ अयोध्या धाम बस स्टैंड मिलेगा। कोशिश करें कि अयोध्या बाईपास पर ही उतर जाएं, जिससे आप इजली ई रिक्शा से राम मंदिर पहुंच सकते हैं। और दूसरा बस स्टेशन राम मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूर फैजाबाद बस स्टेशन, जो कि अयोध्या कैंट सिविल लाइंस के पास है। मैंने यहाँ एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में उतरते ही सब टाइप की फैसिलिटीज आसानी से मिल जाएगी, फिर चाहे वो लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट हो या स्टे के लिए रूम हो। यहाँ पास में ही लगभग 400 से 600 रुपए में धर्मशाला और 700 से 2000 में आपको कंफर्टेबल और बजट के हिसाब से होटल्स और लॉज मिल जाएंगे। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आसपास ही रहें, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से राम मंदिर और बाकी घूमने की जगह भी पास है। तो अब आने जाने, घूमने फिरने, रहने का प्रबंध कर लिया है, तो चलिए देखते हैं यहाँ खाने पीने का क्या इंतज़ाम है। यहाँ की सबसे अच्छी बात कि यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन आराम से अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। एक मौर्या मिष्ठान है, उसके यहाँ हम बचपन से यहाँ साकेत स्टडी कर रहे थे तो दही जलेबी खाते थे। दही जलेबी, समोसा, कचौड़ी उनके यहाँ बेस्ट है। और आप ट्राई करते हैं यहाँ का फेमस दही जलेबी। तो ये है दही जलेबी। इसका मेकिंग देख के ही मैं ऐसा हो गया कि वो पहले एकदम दही डाल रहे हैं, फिर उसके बाद जलेबी को तोड़ रहे हैं पूरा, फिर उसके ऊपर दही डाल रहे हैं। तो ये है अयोध्या की दही जलेबी, ट्राई करते हैं। इतना फ्रेश दही और जलेबी, दोनों का टेस्ट जो मिक्स होकर इतना अच्छा आ रहा है कि क्या। आप भी आइए और दही जलेबी ट्राई करिए। आपको यहाँ का समोसा चना भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये था अयोध्या का कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
और इसी तरह मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आराम से रहिए, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आकाश का सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।